अखिलेश यादव का प्रचार वाला ये रूप काफी दिनों बाद दिखाई दिया है। किसी उपचुनाव के लिए ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं होगा। कितने चुनाव बीत गए वो प्रचार के लिए नहीं उतरे और आज उनकी जगह जगह रैली है तो कहीं रोड शो है। इसीलिए हम भोगांव का रुख करेंगे जहां पर आज हलचल बनी रहेगी और अखिलेश यादव के आने की सुगबुगाहट और तैयारी बड़ी जोरों पे चल रही होगी। रतीश हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि भोगांव में किस तरीके का माहौल है और आज 5 बजे से पहले कितना जोर लगाया जाएगा भोगांव में पहुंच करके। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी पूरी तैयारियां करी। आज प्रचार युद्ध का आखिरी दिन है तो प्रचार युद्ध के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम यहाँ पर मौजूद हैं, अलीपुर खेड़ा। ये मैनपुरी जिले का सबसे बड़ा गाँव बताया जाता है, 12,000 की आबादी। और तस्वीर दिखाते हैं मंच की, जहाँ पर 12 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंचेंगे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और यहाँ पर साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश होगी नेताजी के नेताजी को लेकर के, और जो डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं उनको जिताने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो कुर्सियां दिखा दे, क्योंकि कुर्सियां लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, कुर्सियां लगाई जा रही है। लेकिन जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप इसके आयोजक है राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से, किस तरह का चुनाव देख रहे हैं, मुद्दे क्या आ रहे हैं इस बार? यहाँ चुनाव हमारे यहाँ 80,000 वोट लोधी समाज का है, वो सारा का सारा वोट भोगांव विधानसभा का लोधी वोट डिंपल यादव जी के लिए कर रहा है। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है और पूरी लोकसभा में लगभग 2.25 लाख वोट लोधी समाज का है। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बैनर तले ये वोट एकत्रित होकर सारा का सारा वोट चुनाव चिन्ह साइकिल पर माननीय डिंपल यादव जी को करेगा। और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक हर कोई यहाँ पर मौजूद है मैनपुरी में। उसके बाद में भी डिंपल यादव ही जीतेंगे, विश्वास है आप लोगों ने? विश्वास ने काम किया है, जो चमक मैनपुरी में दिख रही है वो मुलायम सिंह जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता आ रहे हैं, आगे आइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं मैनपुरी का वो विकास नहीं हो पाया है और मैनपुरी के विकास के लिए अब भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं कराया, जो विकास कराया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कराया है। आप लोग क्या किस तरह से चुनाव देख रहे हैं, आगे आइए? ये वाला चुनाव बहुत ही अच्छी तरह से होगा और माननीय डिंपल जी बहुत अच्छी जीत लेके आए, कम से कम 2 से 2.5 लाख। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनाव ये लड़ रही है मैनपुरी उपचुनाव, इतनी गंभीरता से इतने नेताओं की फौज उतार दी गई है, डर तो नहीं लगता आपको? नहीं, हमें किस बात का डर तो उन्हें, तभी तो उन्हें सारे नेता उतार रखे हैं। प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, प्रशासन को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशासन वोट मांग रहा है, तो डर तो उन्हें लग रहा है। हम लड़ाई बहुत दिलचस्प है, इस बात का अंदाजा लगाइए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।